पीएम मोदी के वतन लौटते ही कीर्ति आजाद ने मांगा पीएम से मिलने का वक्त। डीडीसीए विवाद में कीर्ति को पार्टी से किया गया है निलंबित। पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे की बढ़ी सरगर्मी। 15 जनवरी को भारत और पाक में विदेश सचिव स्तर की वार्ता। इस्लामाबाद में आतंकवाद और सीमा विवाद समेत सभी मुद्दों पर होगी बातचीत। लाहौर से दिल्ली लौटकर पीएम मोदी ने कल सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के घर पहुंचे थे। जन्मदिन की दी थी बधाई। 45 मिनट से ज्यादा देर तक रुके। पालम एयरपोर्ट पर सुषमा ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे पर कसा तंज। कहा इस दौरे से अलगाववादी हैं काफी खुश। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा दूसरे देशों के दबाव में पीएम मोदी ने किया पाकिस्तान दौरा। 3 माह पहले नवाज से हाथ मिलाने को भी नहीं थे राजी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कसा तंज। कहा पीएम मोदी काबुल में नाश्ता, लाहौर में लंच और दिल्ली में पी सकते हैं चाय, लेकिन कीमत तो देश को ही चुकानी पड़ रही। जेडीयू नेता अली अनवर ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे का किया स्वागत। कहा नहीं बदले जा सकते पड़ोसी, लिहाजा होना चाहिए बेहतर रिश्ते। पीएम मोदी के स्वागत से बौखलाया मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद। दिया बयान, नवाज ने क्यों किया पाकिस्तान के दुश्मन का स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया ने पीएम मोदी के दौरे को जमकर सराहा। यूएन और अमेरिका में भी बजा मोदी मास्टर स्ट्रोक का डंका। इंडिया टुडे की खबर का हुआ असर, सऊदी अरब में प्रताड़ित किए गए केरल के 3 युवक लौटे भारत। इंटरनेट पर वायरल हुआ था सऊदी अरब में केरल के 3 युवकों के टॉर्चर का वीडियो। इंडिया टुडे की पहल के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था दखल। आईएसआईएस ने पार की बर्बरता की सारी हद। बंधकों के अंगों को निकालकर बेचा, इस्लाम का दिया हवाला। अमेरिकी छापेमारी में जब्त दस्तावेजों से हुआ करतूत का खुलासा। नागपुर एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी। आईएसआईएस के में भर्ती होने की फिराक में होने का आरोप। श्रीनगर में अलगाववादियों ने बुलाया बंद, ग्रामीण सुरक्षा कमेटी के गठन का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस भर्ती के 100 पदों के लिए जुटे 4000 लोग। युवकों ने कहा राज्य के लिए बेरोजगारी बढ़ी और विभागों में भी हो सकती है नियुक्तियां। मध्य प्रदेश के दामों में जहरीली पकौड़ी ने 5 लोगों की ली जान, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। दानापुर में बेउर मोड़ पर लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक। फतेहपुर शेखावती में ठंड से नजर आए बर्फीले वृक्ष, पेड़ पौधों और खर पतवारों पर जम गई ओस, माइनस में पहुंचा पारा। अलवर में कड़ाके की सर्दी से खेतों में जमी बर्फ की परत, 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचा पारा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ से सफेद हुई पहाड़ियां, बढ़ी कड़ाके की ठंड। पुंछ में भी कड़ाके की सर्दी, अलाव बन रहा है गर्माहट का आसरा। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, 5.5 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। यूपी में सर्दी का सितम जारी, कड़ाके की ठंड में लोगों को भा रहे हैं अलाव और चाय। महाराष्ट्र पुणे और आसपास के इलाकों में फिर गिरा पारा, 7.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। शिमला में क्रिसमस के मौके पर विंटर कार्निवल का आयोजन, लोगों ने जमकर की मौज मस्ती। राजस्थान के भरतपुर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 डीलरों के बीच जमकर झड़प, पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। राजस्थान के बाड़मेर में बुलेरो और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल।
दिल्ली के कृष्णनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दीपक नाम के कुख्यात अपराधी को पकड़ा। दीपक का साथी फरार, महिला से चेन लूटकर भाग रहे थे बदमाश। दिल्ली के नरेला में डीटीसी बस ने 10 साल के बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर ही मौत, दूसरा घायल। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में निर्माणाधीन बेसमेंट गिरने से 6 मजदूर दबे, एक की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग वॉर में 2 रिटायर्ड पुलिस वालों की हत्या, गिरफ्त से बाहर, अब तक हत्यारे। दिल्ली के सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन के ट्रैक के किनारे मिले 3 शव, गंभीर रूप से घायल शख्स को एम्स में करवाया गया भर्ती। मुंबई में विकलांगों के लिए 30 लो फ्लोर बस खरीदने की तैयारी, बेस्ट ने किया फैसला, विपक्ष ने तिजोरी खाली करने का लगाया आरोप। हेमा उपाध्याय मर्डर केस, पुलिस के हाथ अब तक नहीं आया आरोपी विद्याधर राजभर, हत्या के बाद मुंबई से बाहर भाग निकलने की आशंका। मुंबई में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बीएमसी देगी मदद, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लीज पर देगी अपने 17 भूखंड। बीएमसी 30 की लीज पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को देगी अपनी जमीन, बदले में मिलेंगे 10,365 करोड़ रुपए। मुंबई मशहूर फिल्म अभिनेत्री साधना के अंतिम संस्कार में जुटी तमाम हस्तियां, सलीम खान भी पहुंचे। सुनामी की बरसी पर चेन्नई में लोगों ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि, समंदर के किनारे जुटे पीड़ित। थाईलैंड में भी सुनामी की बरसी पर दी गई मृतकों को श्रद्धांजलि, लोगों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अमेरिका में बर्फबारी का तूफान का कहर, बर्मिंगम और अलाबामा में टोर्नेडो से तबाह हुए सैकड़ों घर। अमेरिका के ह्यूस्टन में मस्जिद में लगी आग, 80 दमकल कर्मियों के जरिए आग पर पाया गया काबू। क्रिसमस के दिन इंडोनेशिया में हुए एयर एशिया विमान हादसे के 162 मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि, पिछले साल 28 दिसंबर को हुआ था हादसा।